Hello, students. Hope you all are doing well. Today, we are reading a beautiful chapter, and the name of the chapter is Our Beautiful Earth. Our Beautiful Earth. We live on the Earth. The Earth is the only planet where life exists. Plants and animals also live on the Earth. A globe is a model of the Earth. The shape of the Earth is like an orange. It is slightly flat on the top and bottom. It has land, water and air. We live on land. It is very suitable to live. हम अर्थ पर रहते हैं और अर्थ ही एक ऐसा planet है jahan लाइफ exist करती है जैसे आपको पता होगा हमारे सोलर सिस्टम में एट प्लैनट्स होते हैं सन के साथ तो उनमें से एट प्लैनट में से ओनली अर्थ ही ऐसा प्लैनट है जो लाइफ एग्जिस्ट जहाँ पर लाइव एग्जिस्ट करती है यहाँ पर अर्थ पर बहुत सारे प्लांट्स भी हैं एनिमल्स भी हैं वो भी सर्वाइव कर सकते हैं एक ग्लोब ग्लोब क्या होता है ग्लोब होता है अर्थ का मॉडल जैसे आपकी जो अर्थ होती है उसकी एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन एक मॉडल होता है मॉडल की जो शेप होती है अर्थ की या मॉडल की जो शेप होती है वो ऑरेंज जैसी होती है ग्लोब आपने देखा होगा ऑरेंज जैसा होता है तो वो आपकी अर्थ को रिजेंबल करता है स्लाइटली फ्लैट ऑन द टॉप एंड बॉटम जैसे आप ऑरेंज आप देखते हो साइड से राउंड होता है और टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा फ्लैट होता है तो अर्थ भी ऐसी ही होती है ऑरेंज जैसी होती है और अर्थ पर लैंड वाटर और एयर मिलती है वी लिव ऑन लैंड इट इज़ वेरी सुटेबल टू लिव और हम लैंड पर रहते हैं और हम लैंड पर आसानी से रह सकते हैं क्योंकि हमें अर्थ पर वॉटर एंड एयर एवेलेबल है एवरी थिंग दैट वी सी अराउंडर्स विच हैज़ नॉट बीन मेड बाय ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ नेचर ऐसी चीज़ें जो भी हमारे आस पास हम देखते हैं जो ह्यूमन बींग ने नहीं बनाई हैं उनको क्या कहते हैं अ पार्ट ऑफ नेचर यानी जो प्रकृति ने जो हम कह सकते हैं कुदरत ने भगवान ने जो हमें बनी बनाई चीज़ें दी हैं उनको मैन uh, ने नहीं बनाया है नेचर ने बनाया है जैसे कि विंड रिवर्स फॉरेस्ट माउंटेंस एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ओल पार्ट्स ऑफ नेचर जो भी हवा चलती है रिवर पानी बहता है या फॉरेस्ट हैं जंगल हैं माउंटेन्स हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं ये सारे क्या हैं पार्ट्स ऑफ नेचर हैं दीज आर नेचरस गिफ्ट विच वी यूज इन मैनी वेज द अर्थ इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाई एन एनवलप ऑफ यर कोल्ड एटमोसफेयर और ये सारी चीज़ें हमें नेचर्स ने यानी कि कुदरत ने गिफ्ट दी हैं अलग अलग वेज से और अर्थ जो है वो एक एनवलप ऑफ एयर से सराउंडेड है अर्थ का एक अपना कवरिंग है जिसको क्या कहते हैं एटमोसफेयर अब हम बात करेंगे अर्थ पर लैंड की लैंड इज एन इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ अर्थ अ लार्ज मास ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट वी बिल्ड हाउसेज एंड ग्रो फूड ऑन लैंड लैंड कैन बी ऑफ वेरियस फॉर्म्स हिल्स माउंटेन्स प्लेन्स वैलीज डेजर्ट्स एंड फोरेस्ट आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ लैंड यानी कि धरती लैंड जो है वो एक अर्थ का बहुत अच्छा गिफ्ट हमें दिया है अर्थ ने और अ लार्ज माउस ऑफ लैंड इज गोल्ड कॉन्टिनेंट. लैंड पर दो ही चीज़ें मिलती हैं पानी और धरती तो लार्ज माउस ऑफ लैंड उसको क्या नाम दिया गया है कॉन्टीनेंट वी बिल्ड हाउसेज एंड ग्रो फूड ऑन लैंड लैंड पर हम क्या करते हैं रहने के लिए घर बनाते हैं और प्लांट ग्रो करते हैं खाना खाने के लिए लैंड कैन बी और वेरियस फॉर्म अलग अलग टाइप की लैंड मिलती है जैसे कि hills है mountains, plains, plains valleys, desert एंड forest. अलग जैसे फॉरेस्ट में फॉरेस्ट लैंड डेजर्ट लैंड जहाँ रेत ही रेत होता है वैलीज होती हैं प्लेन होता है या फिर माउंटेन माउंटेनियो हिल में जो मिलती है वो माउंटेन या हिल लैंड होती है ओके next is plains you can look at the picture of plains plains are flat area of land most people live on plains they are good for growing crops and fruits many rivers flow through it land, प्लेन क्या होता है बच्चों लैंड का वो पार्ट जो बिल्कुल प्लेन होता है प्लेन एरिया फ्लैट एरिया जिसको बोलते हैं दैट इज़ कोल्ड प्लेन्स और ज़्यादातर लोग जो हैं प्लेन्स पर रहते हैं क्योंकि वहाँ लाइफ बहुत इजी होती है और अच्छे से क्रॉप ग्रो हो सकती है फ्रूट ग्रो हो सकते हैं और बहुत सारी रिवर्स जो हैं वो प्लेन पर फ्लो करती हैं यानी प्लेन में बहुत सारे रिवर्स भी रिवर का पानी भी मिलता है हमें और वो फ्लैट भी होती है तो खेती भी आसानी से हो जाती है इसीलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो पर रहना पसंद करते हैं एंड एरिया ऑफ लैंडर लैंड अराउंड क्लाइमेट ऑफ हिल्स इज कूलर दैन दो हिल्स आर नैरो इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप हेयर नेक्स्ट हिल लुक एट द पिक्चर ऑफ हिल जो लैंड से थोड़ा सा ऊपर पार्ट होता है थोड़ा सा हायर होता है उसको क्या कहते हैं हिल कहते हैं जो हिल का जो क्लाइमेट है वहाँ का जो मौसम है वो बहुत कूल होता है जैसा कि प्लेन पर होता है उससे अच्छा मौसम उससे ठंडा मौसम हिल्स का होता है और जो हिल्स के जो रोड होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं और विंडी होते हैं और वहाँ बहुत अच्छी हवाएं चलती हैं और यहाँ पर क्रॉप ग्रो करना बच्चों बहुत मुश्किल होता है पहाड़ों पर वेरी हाई हिल्स आर कोल्ड माउंटेन्स लुक एट द पिक्चर बहुत बड़ी हिल्स उनको क्या कहते हैं माउंटेन्स द पॉइंटेड टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कोल्ड पीक और जो माउंटेन्स की पॉइंटेड पीक होती है यानी जो उनकी चोटी होती है हाई लेवल जो होता है उसको क्या नाम दिया गया है पीक द स्लोप्स आर स्टीप और जो स्लोप्स हैं उनको क्या नाम दिया गया है स्टीप दे आर कवर्ड विथ स्नो और जब बारिश होती है प्लेन्स में तो वहाँ क्या होती है स्नोफॉल होती है तो जो ये स्टीप्स है माउंटेन के वो बर्फ के साथ कवर हो जाते हैं लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड अ वैली दे हैव फर्टाइल लैंड प्लांट्स ग्रो वेलो इट एंड सी द नेक्स्ट पिक्चर वैली तो जो दो हिल्स के बीच का जो पार्ट होता है लो लैंड दो हिल्स ऐसे जा रही हैं उनके बीच का जो पार्ट है उसको क्या नाम दिया गया है वैली का नाम दिया गया है जिसको हम घाटी भी बोलते हैं और यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है यानी बहुत उपजाऊ होती है यहाँ पे बहुत अच्छे से हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं नेक्स्ट इज डेजर्ट लुक एट द पिक्चर डेजर्ट जहाँ रेत ही रेत होता है रेगिस्तान डेजर्ट्स आर ड्राई एमटी लैंड ऑलमोस्ट नथिंग ग्रोज लिटिल वाटर इज फाउंड हेयर

कैक्टस प्लांट ग्रो कर सकते हैं और कैमल यहाँ मिलता है क्योंकि कैमल एक ऐसा एनिमल है जो बिना पानी के बहुत दिन तक सरवाइव कर सकता है नेक्स्ट इज फॉरेस्ट लुक एट द पिक्चर ऑफ द फॉरेस्ट फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज कवर्ड कंप्लीटली विद ट्रीज मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स लिव हेयर ट्रीज क्लीन द एयर एंड गिव अस मैनी यूजफुल थिंग्स फॉरेस्ट जो हैं जो ट्रीज़ के साथ भरे होते हैं ऐसे बड़े बड़े एरिया जो ट्री के साथ कवर होते हैं और यहाँ बहुत टाइप के एनिमल्स मिलते हैं इंसेक्ट्स मिलते हैं और बहुत वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स भी पाए जाते हैं ट्रीज़ क्लीन द एयर एंड गिव अस मैनी यूजफुल थिंग आपको सबको पता है ट्री हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं और बहुत सारी चीजें हमें उनसे मिलती हैं हमारी जो एटमोसफेयर की एयर है आसपास के वातावरण की जो हवा है पेड़ उनको शुद्ध करते हैं अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वॉटर ऑन ऑल साइड इज गोल्डन आईलैंड ग्रीन लैंड इज द लार्जेस्ट आईलैंड इन द वर्ल्ड लुक एट पिक्चर आइलैंड एक पीस ऑफ लैंड लैंड का ऐसा पीस जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों आइलैंड और सबसे बड़ा पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है ग्रीन लैंड ग्रीन लैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड नेक्स्ट इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वॉटर ऑन थ्री साइड्स इज कोल्ड पेनेंसुला लुक एट दिक्चर पैनेंसुला जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा जो साउथ साइड है दैट इज़ अ पेनिनसुला क्योंकि वो तीन साइड से वेस्ट uh, और साउथ और ईस्ट तीनों साइड से किससे घिरा हुआ है बच्चों पानी से सराउंडेड है तो दैट पार्ट इज़ कोल्ड पेनिनसुला कोई भी पीस ऑफ लैंड जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है दैट इज़ पेनिनसुला और जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है दैट इज़ आईलैंड ओके नेक्स्ट इज़ हाईलैंड हाई लैंड हैविंग अ फ्लैट टॉप इज ऑल्सो कोल्ड टेबल लैंड और अ प्लेट्यू लुक एट दिक्चर ऑफ प्लेट्यू ना ये हिल होती है ना ही ये माउंटेन होते हैं और ना ही ये प्लेन होते हैं सिर्फ थोड़ा सा हाई लेवल लैंड होती है जिसका जो टॉप है वो फ्लैट होता है यानी इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं और प्लेट्यू भी बोलते हैं ओके क्लियर टाइप्स ऑफ लैंड नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एयर Air is essential for life on earth. We cannot see air but when it blows we can feel it. Moving air is called wind. Plants, animals and human beings need air to breathe. We cannot live without it. Air is made up of many gases. The air is not fresh and clean. It is very important that the air we breathe is clean and fresh. Air एयर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है अर्थ पर अगर सरवाइव करना है किसी भी प्लेनेट पर अगर सरवाइव करना है तो वहाँ एयर होना बहुत जरूरी है हम एयर को देख नहीं सकते पर हम एयर को फील कर सकते हैं जैसे जब हवा चलती है क्या हमें वो दिखाई देती है नहीं पर हम उसको फील कर सकते हैं मूविंग एयर इज़ गोल्ड विंड जो भी हवा चलती है उसको हवा को क्या कहते हैं विंड कहते हैं एंड प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ जितने भी लिविंग थिंग्स हैं प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग हैं इनको ब्रीद करने के लिए सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और क्या हम हवा के बिना रह सकते हैं एयर के बिना रह सकते हैं नो वी कैन नॉट लिव विदाउट इट एयर जो है बच्चों वो अलग अलग टाइप की बहुत सारी गैसेस से मिलके बनती है अगर हमारे आसपास की जो एयर है वो साफ़ नहीं होगी तो हम बीमार हो जाएंगे क्योंकि हम सांस से हम अंदर लेते हैं गैसेस इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास की जो एयर है वो क्लीन और फ्रेश हो टू इन्जॉय क्लीन एंड फ्रेश एयर वी शुड फॉलो दीज टिप्स अगर हमें क्लीन और फ्रेश यानी साफ़ सुथरी हवा चाहिए साफ़ और ताज़ा हवा चाहिए तो हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा फर्स्ट इज़ अवॉइड बस्टिंग क्रैकर्स एवॉइड बर्स्टिंग क्रैकर्स यानी जो पटाखे हम फोड़ते हैं किसी की शादी है या कोई फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हम पटाखे बर्स्ट करते हैं पटाखे फोड़ते हैं तो उससे क्या होता है बच्चों पॉल्यूशन हो जाता है तो हमें क्रैकर्स को बर्स्ट करना यानी पटाखे फोड़ना एवॉड करना चाहिए नेक्स्ट इज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाने चाहिए पेड़ उगाने चाहिए ताकि वो हमें फ्रेश हवा दे सकें वी शुड नोट कट ट्रीज़ हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए जैसा कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो हवा को ताज़ा रखते हैं तो अगर हम पेड़ कट कर देंगे तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगी तो वी शुड नॉट कट ट्रीज ट्राई टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज इन एटमोसफेयर और हमें ट्राई करना चाहिए ताकि जो एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस हैं उनके रिलीज़ को वो कहाँ से आती हैं जैसे कोई फैक्ट्री है वहाँ से कोई गंदा पानी निकल रहा है या फिर व्हीकल्स पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन करते हैं वहाँ से गैसेस निकल रही है तो हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हम अपने एटमॉस्फेयर में ऐसी हार्मफुल गैसेस जहरीली गैसेस ना आने दें और हवा को साफ सुथरी रखें ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक वाटर वाटर प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल नीड वाटर टू लिव इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन रेन वाटर फिल्स अप रिवर्स लेक्स एंड पोन्ट्स द रेन वाटर विच गोज अंडर द सॉयल कैन बी ब्रोट आउट बाई डिगिंग ट्यूबवेल्स एंड वेल्स दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग वाटर पानी भी बहुत जरूरी है रहने के लिए प्लांट्स एनिमल ह्यूमन बींग्स सबको पानी चाहिए होता है और ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है लाइफ के लिए जैसे हवा की ज़रूरत होती है एयर की ज़रूरत होती है ऐसे ही वाटर की ज़रूरत होती है ओके व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन बारिश जो होती है रेन क्या है मेन सोर्स है पानी का हमें ज़्यादातर जो वाटर है वो रेन से मिलता है रेन वाटर अप रिवर्स लेक्स एंड पॉन्ड और जो रेन वाटर आता है बारिश जब आती है तो आसपास की सारे रिवर्स लेक्स और पॉन्ड्स, जितने भी तालाब नदियाँ होती हैं वो फिल हो जाती हैं। द रेन वाटर विच गोज़ अंडर द सॉयल कैन बी ब्रोट आउट बाई डिगिंग ट्यूबवेल वेल जैसे गांव में आपने देखा होगा ट्यूबवेल लगे होते हैं कुएँ होते हैं वेल्स होते हैं उन वो डिग करके हम जो रेन वाटर जो पानी धरती में चला जाता है जब बारिश होती है तो वो हम उसको ला सकते हैं ऊपर उसको हम यूज़ कर सकते हैं दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग इस पानी को हम यूज़ कर सकते हैं पीने के लिए फिल्टर और क्लीन करने के बाद हम इनको अपने नॉर्मल यूज़ में नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ कर सकते हैं ओके रिवर ओशियन वॉटरफॉल हमें पानी के और भी सोर्सेज हैं जो हमें रेन से मिलते हैं दैट इज़ रिवर ओशियन एंड वाटर लुक एट द ब्यूटीफुल पिक्चर्स दैट इज़ रिवर ओशियन एंड वॉटरफॉल रिवर इट इज़ अ लार्ज वाटर बॉडी विच ऑरिजिनेट इन स्नो कवर्ड माउंटेन रिवर कहाँ से आती हैं जो स्नो कवर्ड माउंटेन होती हैं बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जब स्नो से भर जाते हैं वहाँ से जब गर्मियाँ आती हैं स्नो मेल्ट करना शुरू करती है तो वहाँ से आपकी रिवर नदियाँ जनरेट होती हैं नेक्स्ट है ओशियन वेरी बिग सीज़ आर कोल्ड ओशियन बहुत बड़े बड़े समुंदर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं ओशियन दे आर डीप वाटर बॉडीज ऑफ सॉल्टी वाटर लेकिन इनका पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है और ये बहुत डीप होते हैं डीप वाटर बॉडीज़ होती हैं ओके नेक्स्ट इज़ वाटर फॉल अ रिवर फ्लोज ओवर रॉक्स एंड फॉल्स फ्रॉम अ हाइट इट इज़ गोल्डर वाटर फॉल जब कोई भी रिवर पहाड़ से नीचे आती है यानी हाइट से नीचे गिरती है और बीच में उसके रॉक्स आ जाती हैं तो वो पानी स्विच हो जाता है अलग अलग जगह में आ जाता है और ब्यूटीफुल एक आपको व्यू मिलता है जिसको क्या नाम दिया गया है वॉटरफॉल ओके कम टू द नेक्स्ट टॉपिक लुकिंग आफ्टर नेचर गिफ्ट। लुकिंग आफ्टर नेचर्स गिफ्ट ऑल दिस अबाउट गिवन थिंग्स आर सम ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ नेचर वी मस्ट टेक केयर ऑफ दम एंड शुड नोट स्पॉइल दैम वी स्पॉयल नेचर वैन वी थ्रो गारबेज इन टू रिवर्स टू मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड पोल्यूट द एयर वी मस्ट टेक केयर ऑफ आर सराउंडिंग्स एंड वी कैन लिव अ हेल्थी लाइफ वैन एवरी थिंग अराउंड अर्स इज क्लीन हम जो भी हमें नेचर ने गिफ्ट दिया है जैसे कि वॉटर बॉडीज हैं या फिर एयर है उसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए ये हमारी ड्यूटी है ओके जैसे हम इनकी केयर कैसे कर सकते हैं हम इन हमें इन्हें स्पॉयल नहीं करना चाहिए ख़राब नहीं करना चाहिए हमें रिवर्स वगैरह में गारबेज थ्रो नहीं करना चाहिए जो बहुत सारे व्हीकल्स हम यूज़ करने लगे हैं एयर हमारी इतनी पॉल्यूट होने लगी है वो हमें अवॉइड करना चाहिए हमें अपने आसपास के सराउंडिंग का ध्यान रखना चाहिए और अगर हमें एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट भी क्लीन होना बहुत ज़रूरी है टू लुक आफ्टर नेचर वी मस्ट हमें अपना नेचर यानी जो हमें आसपास में प्रकृति ने भगवान ने गॉड गिफ्ट चीज़ें दी हैं उन्हें लुक आफ्टर करने के लिए उनकी देखभाल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए फर्स्ट इज़ सेव वाटर पानी बचाना चाहिए क्योंकि आपको पता है वाटर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी लिविंग थिंग के लिए वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट तो हमें वाटर सेव करना चाहिए हम ब्रश करते हैं तो हमें नल खुली नहीं रखनी चाहिए जब हम नहाते हैं हमें बकेट से नहाना चाहिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए नेक्स्ट इज प्लांट मोर ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे उतना हमारा एटमोसफेयर अच्छा होगा और हमें फ्रेश एयर मिलेगी नॉट कट डाउन फॉरेस्ट जितने भी फॉरेस्ट हैं फॉरेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ ट्रीज नथिंग एल्स लाइक जितने भी बहुत सारे ट्रीज को मिलके फॉरेस्ट बनता है तो हमें फॉरेस्ट को यानी ट्रीज को कट डाउन नहीं करना चाहिए नॉट वेस्ट पेपर पेपर है ये हमें वुड वुड uh, से मिलता है जो कि ट्रीज से मिलता है तो हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि और पेपर बनाने के लिए हमें फिर से ट्री को कट करना होगा तो पेपर हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए वेस्ट नहीं करना चाहिए नॉट यूज़ चीप प्लास्टिक बैग्स हमें चीप प्लास्टिक बैग क्योंकि प्लास्टिक बैग हैं वो डीकम्पोज नहीं होते हैं वो दोबारा से रिसाइकल नहीं होते हैं तो हमें जो सस्ते प्लास्टिक बैग होते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए उन्हें अवॉइड करना चाहिए लर्न टू रिसाइकल यूज मटेरियल्स एंड मेक न्यू थिंग्स सच एज़ पेंसिल स्टैंड फ्रॉम ओल्ड कप्स एट्सट्रा हमें सीखना चाहिए अलग अलग तरकीबें अलग अलग तरीके सीखना चाहिए ताकि जितने भी यूज़ मटेरियल हैं जो भी हम यूज़ करते हैं उनको हम री कर सकें रिसाइकिल कर सकें ताकि वो वेस्ट ना जाए और हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट ना हो जैसे कि पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं हम ओल्ड कप का अगर कोई कप टूट गया है तो उसका यूज़ करके हम उसका पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं उसको हम पेन pen, पेंसिल उसमें रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए कि हमारे पास जो भी मटेरियल यूज़ हो रहे हैं हम उनको रिसाइकल और री कैसे कर सकें ताकि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने से बच सकें और हमारे आसपास का एन्वायरमेंट हेल्दी और फ्रेश रहे होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे